दोस्तों स्मार्टफोन्स आजकल की लाइफ के बहुत बड़े मेन कंपोनेंट्स हो गए हैं। दोस्तों इससे हम घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग जैसी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को लगता है कि आपका फ़ोन पुराना हो गया और आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि अगला कौन सा नया फ़ोन खरीदे, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में नए लॉन्चेज आ रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा नया फ़ोन खरीदे, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों इससे आपको आज का हमारा टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 10 नंबर पे बारी आती है ओप्पो F11 Pro की। दोस्तों इसके अंदर सेल्फी पावर्ड कैमरा है जो 16 मेगापिक्सल का है और इसके पीछे ड्यूल कैमरा का एक सेटअप है जो है 5+48 मेगापिक्सल का। दोस्तों इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है और इसकी स्क्रीन 6.5 इंच की इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ मिलती है। दोस्तों 9 नंबर पे बाहरी आती है Honor 9X की, जिसका रेट 13999 है और दोस्तों इसके बैक कवर पे जो X का निशान है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये आता है सेल्फी पॉप आउट कैमरा के साथ जो 16 मेगापिक्सल का है और इसके अंदर आपको मिलता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप। और दोस्तों ये आता है 4000 mAh की बैटरी के साथ और जिसके साथ आपको मिलता है 6GB रैम प्लस 128GB रैम का इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों 8 नंबर पे बारी आती है Realme XT की। दोस्तों ये क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल +2+2 का सेटअप होता है। और दोस्तों इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होता है। ये आता है 4000 mAh की बैटरी के साथ। इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के सेंसर होते हैं और दोस्तों ये मिलेगा आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। दोस्तों 7 नंबर पे बारी आती है Redmi Note 8 Pro की। ये मिल जाता है आपको AI क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होता है दोस्तों और इसके अंदर 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ये आता है 4500 mAh की बैटरी के साथ और ये आता है 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों ये मिल जाता है आपको 14,499 का। दोस्तों 6 नंबर पे बारी आती है Xiaomi के Poco F1 की। दोस्तों ये आता है Snapdragon 845 के प्रोसेसर के साथ और इसके अंदर AI ड्यूल कैमरा का सेटअप होता है जो होता है 12+5 मेगापिक्सल का और इसके अंदर 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इसकी बैटरी होती है दोस्तों 4000 mAh की और इसका प्राइस है 14999। और दोस्तों ये फ़ोन आता है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों 5th नंबर पे बारी आती है Realme 6 की। ये आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ जिसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और दोस्तों इसी फ़ोन के फ्रंट में राइट साइड में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा और दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस है 14999 और इसी के साथ आपको मिल जाती है एक 4300 mAh की बैटरी। दोस्तों 4th नंबर पे बारी आती है Samsung Galaxy M30s की। ये आपके पास 3 कलर्स में मौजूद है दोस्तों, एक है ब्लैक, फिर वाइट और तीसरा है ग्रेडियंट ब्लू कलर का। दोस्तों ये आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ दोस्तों, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल प्लस 8+5 मेगापिक्सल का कैमरेज होते हैं और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का होता है। ये आता है एक मॉन्स्टर 6000 mAh की बैटरी के साथ और इसकी स्क्रीन 6.4 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। दोस्तों मैंने सोचा कि इस लिस्ट में आप लोगों के लिए 10,000 से नीचे का भी कोई एक फ़ोन आना चाहिए, तो दोस्तों मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए 3rd नंबर पे Realme 5। दोस्तों ये मिल जाता है आपको क्वाड कैमरा सेटअप के साथ जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है और दोस्तों उसी के साथ आपको मिल जाता है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा और दोस्तों इसमें आपको मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और दोस्तों ये फ़ोन आता है 9999 का, यानी 9999 का। दोस्तों 2nd नंबर पे बारी आती है Redmi Note 9 Pro Max की। दोस्तों ये मिल जाता है आपको क्वाड कैमरा सेटअप के साथ जिसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और इसके अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिसके साथ आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का और दोस्तों इसी के साथ आपको 5020 mAh की एक मैसिव बैटरी मिल जाती है। तो दोस्तों 1st नंबर पे बारी आती है Samsung Galaxy M21 की, जो आपको मिल जाता है एक सुपर मॉन्स्टर 6000 mAh की बैटरी के साथ। इसके साथ ही आपको मिलता है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले और उसी के साथ इसके अंदर है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप और जिसके अंदर आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है। दोस्तों इसका सेल्फी कैमरा होता है 20 मेगापिक्सल का। दोस्तों इसको मैंने 1st नंबर पे इसकी मैसिव बैटरी की वजह से रखा है।
थैंक यू दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम उन टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे।